यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। लखनऊ के गोमती नगर थाने में तहरीर के मुताबिक 23 अप्रैल को डायल 112 मुख्यालय के सोशल मीडिया के व्हाट्सएप डेस्क पर सीएम को जान से मारने की धमकी वाला मैसेज आया। यूपी एटीएस समेत सभी एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी गई है। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इस धमकी के क्या डिटेल्स मिल रहे हैं आशीष? फोक्स कॉल है, क्या है, कितनी सीरियसली ले रही है इसे पुलिस? देखिए नेहा, ये बहुत बड़ी धमकी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू ये धमकी आई है, या आपको बता दें पूरा जो नंबर है वो वहां पर डीपी पर शो हो रहा है, उस पर एक जो स्लोगन लगा हुआ यानी कि डीपी पर एक उर्दू में लिखा हुआ अल्लाह करके लिखा हुआ है, वो तक आइडेंटिफाई पुलिस ने किया है। और पुलिस ने एफआईआर करने के बाद वहां पर जांच एजेंसियों को भी लगाया है, क्योंकि इतनी बड़ी जो धमकी मिली है उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको पूरी तरीके से तफ्तीश की जा रही है। और जिस तरीके से अल्लाह लिखा हुआ है और नंबर दिया हुआ है, देर रात 112 पर कॉल आती है सीधे, उसके बाद पूरे कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया जाता है। एटीएस के साथ एजेंसीज भी लगाई जा रही हैं कि ये साफ करे कि आखिर इतनी बड़ी धमकी सीएम योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि जिस तरीके से मामला प्रयागराज से लेकर इस समय अतीक और अशरफ का चल रहा है, माना जा रहा है सीएम ने लगातार जो बैठकें की हैं इसके पीछे कोई ना कोई वजह हो सकती है जो इतनी बड़ी धमकी मिली है। और ऐसे में अब जांच एजेंसियां इस पूरे नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये नंबर किसका है। हालांकि ये जो नंबर है वो किसी युवक के नाम से है और वो उसको भी तलाश किया जा रहा है कि ये फेक है कि, लेकिन पूरे इस मामले को लेकर जांच एजेंसियों को भी अलर्ट किया गया है, एटीएस को भी अलर्ट किया गया है। और साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि ये धमकी कोई मामूली नहीं है। जिस तरीके से 112 पर यानी कि 112 जो इमरजेंसी नंबर है उत्तर प्रदेश का, उस पर अगर धमकी दी जा रही है तो अपने आप में ही ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की भी बात है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधा कोई अटैक करना चाह रहा है और इस तरीके से धमकी सीधे इमरजेंसी उसमें दिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो नंबर है।